हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में। अभी हम वीडियो बनाने जा रहे हैं मार्केट एनालिसिस में मॉर्निंग अपडेट के लिए। तो ये वीडियो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कुछ स्टॉक्स का और उनके टारगेट लेवल्स, और कुछ स्टॉक्स में पोजिशनल के लिए भी डिस्कस करूँगा। तो फटाफट से हम शुरू करते हैं जल्दी से, कि सबसे पहले हम लेते हैं बजाज फाइनेंस को। ये मैंने टारगेट और लेवल्स ऑलरेडी इसमें लगाए हुए हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बजाज फाइनेंस में ये बॉक्स देखिए, 15 मिनट्स के चार्ट कैंडल पर आप लगा के देखिए कि ये इस बॉक्स के बाहर मार्केट ने एक भी क्लोजिंग नहीं दी है। अगर आज आप, चलो ये तो अब की बात हो गई कल 5 मार्च की, हम आते हैं 11th ऑफ फेब पर। 11th ऑफ फेब, ये देखिए 11th ऑफ फेब पे देखिए सेम सिनेरियो। ये देखिए मार्केट ने इस बॉक्स के बाहर एक कंटिन्यू क्लोजिंग नहीं दी इसने 11 फेब से लेकर के कंप्लीट 12 फेब तक। उसके बाद में मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिखाई और एक अच्छा खासा अप मूव दिखाया। चलो ये भी छोड़ो, अब आते हैं हम 3rd फेब पर। ये देखिए 3rd फेब पर, 3rd फेब में भी मार्केट ने सेम पोजीशन बनाई हुई थी, एक बॉक्स के अंदर ही कंसोलिडेट होता रहा था मार्केट कंटिन्यू। ये देखिए 3rd फेब के दिन वाले दिन पूरे दिन मार्केट इस बॉक्स के अंदर ही कंसोलिडेट होता रहा है। उसके बाद में 4th फेब को मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी। मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन गैप डाउन होने के बाद में अगले 15 मिनट में मार्केट ने अच्छा खासा अपमूव दिखाया, और अपमूव दिखाने के बाद में मार्केट अगेन रिटेस्ट करने आया, लेकिन इस बॉक्स के ऊपर ही सस्टेन किया और अगेन देखिए मार्केट ने एक अच्छा खासा अपमूव दिखाया था। तो मैं इसी प्रीवियस चार्ट एनालिसिस के हिसाब से मैं आज का ये स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट किया है कि आज भी सेम सिनेरियो मार्केट में हो रहा है, देखिए सेम पैटर्न इसमें बना हुआ है। अगर मार्केट जैसे कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद में ये जो मैंने सपोर्ट लगाया, ये रेजिस्टेंस लगाया 54.60, इसको 54.64 को अगर एज ए रेजिस्टेंस सपोर्ट के जैसे लेता है मार्केट, तो यहाँ से 54.64 से हमें इसको बाई करना है, 54.64 या 54.60 के ऊपर। बाई करने के बाद में हम लोगों का इसमें पहला ये टारगेट रखना है डबल टेट्रा फाइव यानी 55.55 का। और बाकी आपकी रिस्क के हिसाब से आपके ये टारगेट भी रख सकते हो, ये भी रख सकते हो, वो आपके रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से। आपका प्रॉफिट बुकिंग आप कितना लेना चाहते हो उस हिसाब से। अगर मार्केट इस बॉक्स को लेकर के गैप डाउन ओपनिंग देता है, तो हम लोगों को यहाँ से शॉर्ट करना है 54.12 से, और सेल करना है 54.12 से, अपना टारगेट लगाना है 53.50 तक का। ये आपके रिस्क के साथ साथ आप अपना टारगेट लगा लीजिएगा। ये जो लेवल्स मुझे देने थे मैंने आप लोगों को दे दिए। अब इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं HDFC बैंक को। HDFC बैंक में ये देखिए हम आते हैं इसमें 1 आवर टाइम फ्रेम पर पहले। 1 आवर टाइम फ्रेम पर आते हैं तो ये जैसे देखिए मार्केट ने, अगर जैसा कि अभी मैं हूँ, मैं भी एज ए ट्रेडर हूँ, जैसे मान लो मैं सोचता अरे यार काश मैं यहाँ बाई कर लेता, अच्छा खासा अप मूव देखने को मिला, यहाँ बाई कर लेता तो एक अच्छा मूव देखने को मिला है, मार्केट अगेन यहाँ आया है तो मैं यहाँ बाई कर लूंगा तो वापस अगेन मुझे एक अच्छा खासा अप मूव देखने को मिल सकता है। तो सेम सिनेरियो, मार्केट ने मार्केट डाउन हुआ, मार्केट यहां से डाउन हुआ, यहां सपोर्ट लिया अप मूव दिखाया, सपोर्ट लिया अप मूव दिखाया, अगेन सपोर्ट लिया हुआ है। तो ट्रेडर्स मैं यही कहना चाहता हूं कि इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। अब इसमें मैंने क्या लेवल और क्या टारगेट, अब आते हैं इसको हम 15 मिनट्स के चार्ट फ्रेम पे जहां हम अपने टारगेट और डिस्कस करेंगे। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग दिखाता है तो, और 1539 1540 के आसपास अगर सस्टेन करता है, तो हम लोगों को इसको 1540 के अबव बाई करना है। ऐसा नहीं कि मार्केट ने थोड़ा गैप अप ओपनिंग दिखाई और हम लोगों ने यहाँ से बाई करना शुरू कर दिया, इसके ऊपर देखना है 15 मिनट्स की कैंडल के हिसाब से। जैसे चार्ट में 15 मिनट पर एनालिसिस कर रहा हूँ, तो 15 मिनट कैंडल पर आप लोगों को ये देखना है कि अगर एक बार भी इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है मार्केट, तो हम इसमें से डेफिनेटली बाई देखना है। और बाइंग के हिसाब से हम लोग इसमें जैसे फर्स्ट टारगेट रखेंगे इसमें 1555 का,
ओके 15 पॉइंट का सेकंड टारगेट लगेंगे 1567 का या फिर 70 के आसपास तक का, वो आपकी रिस्क के हिसाब से आप अपना टारगेट लगा लीजिएगा। लेवल्स मैंने बता दिए हैं, इन इस लेवल के बीच में आप अपना टारगेट कितना भी रख सकते हो, 70 के आसपास अपना टारगेट रख सकते हो। ओके तो इसमें बाई करने का रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि मार्केट यहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा है इस लेवल से। ओके फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, अब थर्ड टाइम सपोर्ट। ओके यहाँ से जिस तरह से ये विक्स बन रही है डाउन साइड में, तो ये शो कर रही है कि यहाँ बायर्स बैठे हुए हैं। ओके अब हम डिस्कस करते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टॉक है एक्सिस बैंक का। ओके एक्सिस बैंक में देखिए मार्केट ने, ये देखिए ये ट्रेड लाइन है, इस ट्रेड लाइन को बार बार एज ए रेजिस्टेंस फेस हुआ मार्केट में, जैसे फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम और यहाँ से फोर्थ टाइम, अब ये फिफ्थ टाइम भी यहाँ से रेजिस्टेंस हुआ है। तो ये डेफिनेटली यहाँ से अगर इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है और इस लेवल के आसपास कहीं आता है, तो हमें 740 के आसपास इसको बाई करना है, और बाई करने के बाद में हम इसको, हम लोगों ने जो टारगेट लगाए हुए हैं, फर्स्ट टारगेट है इसमें 750 का, यानी कि 740 के आसपास बाई करना है। 740 अपना 50 फर्स्ट टारगेट है और 760 अपना सेकंड टारगेट है, और बाकी आप आपके रिस्क के हिसाब से अगर बाइंग साइड में जाते हो तो अपनी रिस्क के हिसाब से अपने टारगेट खुद डिसाइड कर लीजिए। मुझे जो लेवल देने थे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, और वहीं अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है, मान लो जैसे कि गैप डाउन ओपनिंग देता है, यहाँ से इस लेवल से नीचे आता है जो मैंने लगाया 723, ओके तो 723 पे आता है तो हम लोगों को यहाँ से बाई करना, सेल करना है इसको 723 से, और उसके बाद में नीचे आप लोगों का टारगेट आएगा फर्स्ट टारगेट है 714 का। ओके फर्स्ट टारगेट हम लोगों का है 714 का, और थर्ड टारगेट हम रख सकते हैं इसमें 710 से नीचे, यानी कि 709 का। ओके तो बाकी आप आपके हिसाब से अपनी रिस्क के हिसाब से टारगेट लगा लीजिएगा कि हाँ आपको कितना प्रॉफिट है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से। ओके सेकंड है हम लोगों का रिलायंस। रिलायंस में ये देखिए कि मार्केट ने, ये देखिए फोर्थ और फिफ्थ फेब का अगर हम चार्ट देखते हैं, तो ये इसने इस बॉक्स के बाहर एक भी क्लोजिंग नहीं दी है। ओके इस बॉक्स के अंदर ही मार्केट की ये क्लोजिंग हुई है बार बार। ओके तो ये एक तरह से कंसोलिडेटेड ज्वाइन हो चुका है मार्केट का, इस रिलायंस का। अगर मार्केट ये जो मैंने ट्रेड लाइन ड्रॉ की हुई है, ओके ये जैसे इस ट्रायंगल को ब्रेक करता है मार्केट, जैसे ये पैटर्न बना हुआ है ट्रायंगल पैटर्न, अगर इस ट्रायंगल को ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन दोनों साइड में कहीं भी करता है, तो हमें उसी हिसाब से इसमें ट्रेड लेनी है। जैसे कि मान लो मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिखाई और इस ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट किया, ओके ऊपर की साइड ब्रेकआउट किया, तो हमें इसको बाय करना है किस लेवल पर, 2196 पर। ओके 2196 यानी 2196 में हमें इसको बाय करना है, और हम लोगों को अपना टारगेट लगाना है अराउंड, फर्स्ट टारगेट हम लोगों का होगा इसमें 22010 का, और सेकंड टारगेट हम रखेंगे इसमें 22020 का। ये हम लोगों के दो टारगेट हो जाएंगे इसमें, और बाकी आप आपके हिसाब से अपने टारगेट लगा लीजिए। सेकेंड है कि अगर मार्केट गैप डाउन, अगर स्ट्रेट लाइन को ब्रेक करता है नीचे की साइड में, अगर ब्रेक डाउन करता है, तो हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे 2166 से, यानी 2166 के आसपास से हम इसको शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करने के बाद में हम लोगों का जो टारगेट रहेगा, पहला टारगेट रहेगा 2155 का 10 पॉइंट का, और उसके बाद में सेकेंड टारगेट हम लोगों का रहेगा बहुत, अभी इसको जैसे कि हम करते हैं 1 आवर चार्ट फ्रेम पे, तो हमें और लेवल्स दिख जाएंगे इसके अच्छे। ओके तो ये मैंने बता दिया आप लोगों को कि 55 के आसपास फर्स्ट टारगेट, ओके ये हम लोगों का सेकंड टारगेट हो जाएगा, यानी कि 35 के आसपास, ये हम लोगों का सेकंड टारगेट हो जाएगा 30 से 35 के बीच में। तो बाकी आप आपकी रिस्क के हिसाब से आपको जो टारगेट लगाना है आप लगा लीजिएगा। ओके अब हम डिस्कस, अब हमारे स्टॉक्स में अब हम एनालिसिस करते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी बैंक में हम देखते हैं, ये देखिए अब अगर हम इसमें फिबोनाची लगाते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट इस लेवल से ओके हाई तक का, तो मार्केट कल ये जो 61.68% का जो लेवल है, इसको कल यहाँ से इस लेवल से ब्रेक कर सकता है, क्योंकि इसको अभी इसने टच लिया हुआ है एज ए रेजिस्टेंस के जैसे फेस कर रहा है, तो कल यहाँ से इसे सपोर्ट ले सकता है, और डेफिनेटली कल आज वाले दिन की जो ओपनिंग होगी मंडे को,
उसमें मार्केट डेफिनेटली मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से गैप अप ओपनिंग ही दिखाएगा, जिस तरह से डाउ जोन्स और नेस्टेक पॉजिटिव में बंद हुए हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग दिखाता है और 35,560 वाले ऑप्शन इस लेवल के आसपास कहीं आता है, सस्टेन करता है, तो हमें यहाँ इसके ऊपर हमें बाई करना है और टारगेट हम लोगों को अपने रिस्क के हिसाब से लगाने हैं। ओके, जैसे फर्स्ट टारगेट हम लोगों का रहेगा 560 पे बाई करना है, तो हम 700 का फर्स्ट टारगेट लगा देंगे। सेकंड टारगेट हम लोग रख देंगे अराउंड दिस लेवल का, यानी कि 750 के अराउंड। ओके, तो बाकी टारगेट आप आपके हिसाब से लगा लीजिए, लेकिन मैंने आपको लेवल बता दिया है कि 5,359। ओके, यानी कि 35,560 के आसपास हम लोगों को इसे बाई करना है, और अपने टारगेट आपके हिसाब से, अपनी रिस्क के हिसाब से आप लगा लीजिएगा। जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि एक एक टारगेट हम लोगों का ये रह जाएगा, सेकंड टारगेट हम लोगों का ये हो जाएगा 35,800 के आसपास। ओके, आप आपके रिस्क के हिसाब से लगा लीजिए। अगर मार्केट किसी भी कारण से गैप डाउन ओपनिंग होता है, तो हमें 35,000 के लेवल का वेट करना है, और उसके बाद ही हम लोगों को यहाँ से शॉर्ट करना है। और शॉर्ट करने के हिसाब से जिस तरह से मार्केट ने ये देखिए बार बार इस लेवल के आसपास से सपोर्ट ले रहा है, हम आते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर। ओके, तो हमें कोई बड़ा टारगेट नहीं लगाना है शॉर्टिंग साइड में, क्योंकि मार्केट जिस तरह से ये देखिए फर्स्ट टारगेट हम लगा सकते हैं इसमें ये 35,600 के आसपास का, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से मार्केट ये लेवल जो है सपोर्ट के जैसे रिएक्ट कर रहा है 1 टाइम और सेकंड टाइम। ओके, तो ये जो लेवल है, ये वाला जोन है, ये एज ए सपोर्ट के जैसे एक्ट कर रहा है मार्केट के लिए। तो आप हमें शॉर्टिंग में कोई बड़ा टारगेट नहीं रखना है शॉर्ट साइड में। बाइंग साइड में आप अपना टारगेट बड़ा रख सकते हो, इस लेवल का रख सकते हो, इस लेवल का रख सकते हो, बाकी आपके हिसाब से आप कोई भी टारगेट रख सकते हो। मैं तो ये कहता हूँ कि ठीक है, आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपको 100-150 पॉइंट मिल रहे हैं, तो वो बहुत है आपके लिए इंट्राडे के लिए। ठीक है ट्रेडर्स, ये हो गया निफ्टी बैंक का। अब हम एनालिसिस करते हैं निफ्टी 50 को। निफ्टी 50 हम लोगों का ये रहा, हम लगाते हैं इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट का सपोर्ट, बॉटम टू हाई। अगर हम फिबोनाची लगाते हैं तो देखिए मार्केट ने ये जो 38.2% का जो रिट्रेसमेंट है, इस लेवल को अभी यहाँ क्लोजिंग दी है। ओके, तो हम लोगों का ये है क्लोजिंग इस लेवल पर। ओके, मैं लेवल लगा देता हूँ अभी, सेकंड है ये लेवल। ओके, अब हम रिट्रेसमेंट को हटा देते हैं। देखिए इस तरह से ये यहाँ से सपोर्ट लिया हुआ है, यानी कि 50% से 50% मार्केट ने यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया हुआ है, और अभी 38.2% को टच किया हुआ है, यानी कि ये रिट्रेसमेंट लिया हुआ है मार्केट ने यहाँ से। ओके, तो डेफिनेटली यहाँ से मार्केट अपसाइड ही दिखाएगा, क्योंकि 50% रिट्रेसमेंट लिया हुआ है और 38% को इसने टच किया हुआ है। ओके, तो इसको हम हटा देते हैं अभी रिट्रेसमेंट को, ताकि आपको लेवल क्लियर दिख जाए। ओके, ये देखिए, तो मैंने इसमें लेवल्स लगाए हुए हैं, ये लेवल्स हैं हम लोगों के इसमें। तो अगर मार्केट कल मार्केट आज जैसे भी है, मंडे को मार्केट गैप अप ओपनिंग ही दिखाएगा मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से, जिस तरह से ग्लोबल मार्केट, नेस्टेक मार्केट और यहाँ आपका डाउ जोन बंद हुए हैं उस हिसाब से। तो इसमें हम लोगों का बाइंग जो टॉप टारगेट रहेंगे, एक तो टारगेट रहेगा हम लोगों का ये बैंक निफ्टी, या तो ये हाई लगा सकता है, बाकी इसका जो टॉप लाइफ टाइम हाई है वो लगा सकता है। तो ठीक है ट्रेडर्स, आपके रिस्क के हिसाब से आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करिएगा। एक्चुअली मैं बैंक निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी 50 में ट्रेड करिएगा। निफ्टी 50 के ट्रेडर्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। ये इसका लेवल है 38% का, ये 50% का लेवल है। उसके हिसाब से अगर मार्केट अपमूव दिखाता है, तो ये 23.6% का आप टारगेट लगा सकते हो, और उसके अबव आपको लगाना है तो फिर 0%, यानी कि टॉप का आप अपना टारगेट लगा सकते हो। ट्रेडर्स, आप आपके रिस्क के हिसाब से अपने टारगेट और स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा। और दूसरा ये कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है, तो 14,866 एक इसका क्रूशियल सपोर्ट लेवल है। ओके ट्रेडर्स, तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। जो स्टॉक्स मैंने आप लोगों को शेयर किए थे, उनमें से बजाज फिनसर्व और HDFC बहुत इंपॉर्टेंट शेयर हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं वैसे तो। क्योंकि अगर HDFC, वन मोर थिंग, अगर HDFC गैप डाउन ओपनिंग देता है, अगर HDFC गैप डाउन ओपनिंग देता है और इस लेवल के नीचे कहीं आता है, तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी भी डाउन होगा, और उस हिसाब से बैंक निफ्टी गिरेगा, क्योंकि HDFC बैंक का बहुत बड़ा स्टैक्स है निफ्टी बैंक में। तो HDFC बैंक का ही इफेक्ट पड़ेगा बैंक निफ्टी पर। अगर इसका गैप डाउन ओपनिंग देता है, तो बैंक निफ्टी भी डेफिनेटली डाउन ही आएगा,
ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है, और बाकी उस हिसाब से मैंने आप लोगों को बाइंग साइड में जो सजेशन दिया है आप वो ही फॉलो करना है। ओके ट्रेडर्स, रिलायंस हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, HDFC हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, निफ्टी बैंक हो गया, और Nifty 50 के मैंने आप लोगों को लेवल शेयर कर दिए हैं। तो मैं इतना ही काफ़ी है, वीडियो में वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करें। थैंक यू ट्रेडर्स।